पूज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। एक माँ ने जन्म दिया और नवजात को छोड़ दिया, दूसरी माँ ने ममता दिखाकर अपनी गोद में लिया। जी हाँ, ये किसी नाटक या फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो वर्तमान समय में यूपी के औरैया जनपद में घटी है, जहाँ एक महिला दरोगा ने मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की बच्ची को गोद लिया और बच्ची को लेकर बाल कल्याण समिति ने उसको जांच का नोटिस दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आपने अक्सर सुना या देखा होगा कि एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया और छोड़ दिया, तो दूसरी माँ ने ममता दिखाकर उसे अपनी गोद में ले लिया। जी हाँ, औरैया से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहाँ कुछ दिनों पहले औरैया में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। महिला भीख मांगकर अपना भरण पोषण करती थी और अस्पताल के बाहर कोई महिला को छोड़ गया था, जिसके बाद गार्ड ने महिला के इलाज के लिए उसको अस्पताल में भर्ती कराया। ऐसे में उस बच्ची की देखरेख के लिए कोई भी नहीं था, महिला के परिवार में भी कोई नहीं है। बच्ची की सुरक्षा के लिए कोतवाली में तैनात एक महिला होमगार्ड ने बच्ची को गोद ले लिया। दरअसल मानसिक विक्षिप्त होने की वजह से उसे यह भी आभास नहीं था कि उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया है। इस बच्ची को मैंने 12 तारीख में सरकारी हॉस्पिटल से 50 सैया से गोद लिया था, CMS के द्वारा लिखा पढ़ी में। और यहाँ मुख्यालय से कॉल जाती है, यहाँ बुलाया गया कि बच्ची को कोर्ट में पेश करना है CWC की। रीता मैडम का कहना है कि ये बच्ची को मुझे लेना है। मैंने उनको बताया, उन्हें सारी बात पता है। फिर ADM मैडम का अभी कॉल गया था मेरे पास कि बच्ची को आप एक बार पेश कर दो। हाँ, लेकिन मेरे पास आदेश है और CGM के पास मैंने वकील करके वहाँ भी एक डाल दिया है आदेश इसका कि मेरे नाम हो जाए बच्ची। महिला ने लिखा पढ़ी करके नवजात को गोद ले लिया। भूख से बेहाल रोती नवजात के लिए ममतामयी बनी महिला होमगार्ड पिंकी राजपूत, जिसने न सिर्फ उसे अपनी गोद में लिया बल्कि उस नवजात की भूख भी शांत कराई। दरअसल खुशी खुशी नन्ही परी को लेकर अपने घर पहुंची पिंकी राजपूत। उनके सरकारी नोटिस ने सभी को भयाक्रांत कर दिया, क्योंकि ये नोटिस बाल कल्याण समिति की तरफ से आई थी। इस नोटिस को लेकर अधिकारी ने बताया था कि बच्ची की जानकारी मिलने के बाद पिंकी राजपूत को बुलाया गया, ताकि बच्ची की जानकारी समेत उसका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा। देखिए, बाल कल्याण समिति के समक्ष जो महिला पिंकी राजपूत और जिस नवजात शिशु की आपने अभी प्रश्न किया है, वो आज आपके सामने ही वो प्रस्तुत हुई हैं। जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं कि 12 तारीख का प्रकरण है, तो बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। बच्चों के बारे में जो नियम है, किशोर न्याय अधिनियम 2015, उसकी धारा 31(1) ये स्पष्ट प्रावधान करती है कि यदि कोई भी बच्चा नवजात शिशु है या खोया हुआ है या अनाथ प्रतीत होता है, तो उस बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि बच्चा आज प्रस्तुत हुआ है, इसके बारे में पत्राचार प्राप्त हुआ था और ये कहा गया था कि बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, आज प्रस्तुत किया गया है और इसमें अब जांच करके कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई गोदनामा नहीं हुआ है, जरूरत पड़ने पर बच्ची को बाल गृह भी भेजा जा सकता है। फिलहाल एक बार नन्ही मासूम के सामने काला संकट के बादल छा गए हैं। कहीं 21 दिन की मासूम को माँ की गोद से छीन कर बाल गृह तो नहीं भेजा जाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।